बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब, कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज, मौजूद सेनेटर्स, मेंबर पार्लियामान वलीद इकबाल साहब, दादा साहिबा एंड द पीपल हु मेड प्रेजेंटेशंस, सीनियर अफसरान, पाँचवीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के मुअज्जज शुरका, ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज की इस तकरीब में शिरकत मेरे लिए बायस इफ्तिखार है और मुझे आपकी जो प्रेजेंटेशंस भी हुई उससे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला। कहीं कोई एनामली है जिसका जिक्र मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू में करूँगा। मैरीटाइम डॉक्ट्रिन के हवाले से ये वर्कशॉप और पाकिस्तान नेवी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एतबार से मैं सराहना चाहता हूँ। डिस्पाइट पाकिस्तान के हालात के हवाले से और मुसलसल इस कैफियत से कि एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन इंडिया ने हमारे पर इम्पोज़ की हुई थी और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हुए पिछले 40-50 साल के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान हैज़ बीन बिटवीन अ पिंसर काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि दोनों तरफ सिक्योरिटी सिचुएशंस गड़बड़ है। फिर कश्मीर के हवाले से जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के सिलसिले में, इंडिया भागकर मिन्नतें की थी यूनाइटेड नेशंस के साथ और एक नौमौलूद यूनाइटेड नेशंस और नौमौलूद पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया कि जो चीज़ें वहाँ पर तय होंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये ट्रस्ट हालात ने साबित किया शायद किसी हद तक मिसप्लेस ट्रस्ट था। ये हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया में किरदार अदा किया। जब इराक के ऊपर जो हमला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से किया गया था तो जॉर्ज बुश ने ये बात कही कि वी एक्सपेक्ट दैट ऑल यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये उसने इंटरनेशनल गुफ्तगू में बात की अपने एजेंडे को आगे करने के लिए, लिटिल रियलाइजिंग कि देर आर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस विच आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस रीजन, एंड देयरफॉर जो क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है उसकी हमाचहती कैफियत है हर तरफ से। उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी का कंट्रीब्यूशन मैं सराहना चाहता हूँ, कीपिंग आर कोस्टल वाटर्स सेफ फॉर अस डिस्पाइट द फैक्ट कि द बिलिजरेंट कंट्री ऑन आर ईस्ट उसने मैरीटाइम के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के ऊपर और इम्पोजिशन पर और हेजेमनी पर बहुत खर्चा किया है। और आज आपने देखा, लोगों ने प्रेजेंटेशन भी किया कि इंटरनेशनल जो कैलिडोस्कोप है उसके अंदर जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, उसके अंदर एक नए अलायंसेस पैदा हो रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। पाकिस्तान एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाले अलायंसेस है और पाकिस्तान ने अपना जो बारगेनिंग चिप है अपनी कमज़ोर मईशत के एतबार से उसको बहुत कमज़ोर और भी कर दिया। तो लिहाजा बारगेनिंग चिप के अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। यू आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपकी बारगेनिंग चिप में ह्यूमन रिसोर्स है, मगर अपनी बारगेनिंग चिप को तोड़ मरोड़ कर अगर रखें और उस ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप ना करें तो वो भी मुस्तकबिल में बारगेनिंग चिप नहीं है। मुस्तकबिल में भी वो जो यूथ बल्ज है वो एल्डरली बर्डन बन सकता है, क्योंकि हमने 2 करोड़ बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रखा हुआ है और एक परेशानी के हालत में हम दुनिया से कम्पीट करना चाहते हैं जहाँ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर द नंबर्स आर वेरी मच अगेंस्ट अस। आपको ताज्जुब होगा, सिर्फ आपको बता दूं क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स का भी यहाँ पर जिक्र किया और इतनी देर में मैं भी ये सोच रहा था बैठा हुआ कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। इतनी अच्छी पॉलिसीज़ का आपने यहाँ जिक्र किया, क्या होना चाहिए, ये हमें तकरीबन हर मरतबा, हर साल, हर पाँचवें साल इस बात का यकीन होता है कि हमें करना क्या है। एक एनामली है कि हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, लोगों से अगर मैं पूछूं जो पाकिस्तान के अंदर उम्मीद लगाए रखते हैं मुझ जैसे, तो वो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं हम कर रहे हैं। और मैं जब यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर भी हूँ, तो जहाँ जब मैं नई बात करता हूँ, कोई बात करता हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं जी हम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैंने एक नया मुझे एहसास हो गया शुरू के 6 महीने में कि लोग ये समझते हैं कि मेरी गुफ्तगू से कि आप नहीं कर रहे। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई
अफलातून वाली कैफियत मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई आइंस्टाइन वाला मशवरा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो सब हवा में से जहाँ से वो पिक कर रहे हैं, डेटा में से और इंटेंट में से और पाकिस्तान के हालात के एतबार से मैं पिक कर रहा हूँ। तो लिहाजा मामला ये नहीं है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मामला ये है कि आपने तेज़ी से करना है। जिन दुनिया जितनी तेज़ी से भाग रही है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के डिसीशन मेकर्स को इसका एहसास जब तक नहीं होगा तो हम एक जवाल की कैफियत के अंदर रहेंगे। और ये कहना बड़ी बात है, क्योंकि आपने अपना यानी ये ज़रूर आपका जीडीपी बढ़ गया होगा अगर आप 50 की दहाई से आज तक पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें आपके नंबर्स के एतबार से इम्प्रूव हुई हैं, मगर जो वादा आइन करता है इंसानों के साथ, जो सोशल पैक्ट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का और उस लेवियाथन का जिसको हॉब्स कहता है कि यही एक बैलेंसिंग कैफियत है कि जमहूरियत और एनार्की और टोटल डिक्टेटोरियल कंट्रोल के बीच में एक ग्राफ है जिसको लेवियाथन के सरकार जैसे जैसे मजबूत होगी इन अंडर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो वो बैलेंस क्रिएट होगा माशरे के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मैं शुरू की आपसे बात कर रहा था, मगर मैं पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सैलाब के सिलसिले में इन्होंने जिस अंदाज से इमीडिएट काम किया सिंध में ख़ास तौर पर, और 19 कैंप्स भी लगाए, मुतासरीन को वहाँ पर जमा भी किया और तकरीबन 25,000 मुतासरीन, फिर 90,000 लोगों का इलाज किया। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से हम पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी करता है, बट यू गो बियॉन्ड योर कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आई मस्ट थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान के आपका, पाकिस्तान नेवी का बड़ा शुक्रिया। दूसरे मैरीटाइम के हवाले से आपसे जिक्र करूं कि मैरीटाइम फोर्सेस हैव बीन यूज्ड फॉर कॉलोनाइजेशन लॉन्ग टाइम अगो, सिंस अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। यानी जिस मुल्क की मैरीटाइम फोर्स जमा हुई, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, इन लोगों ने अपनी मैरीटाइम फोर्सेस को किया मार्केट से कर्जा उठा उठा कर इन्वेस्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एग्जांपल वाज आल्सो अ शेयर होल्डर होल्डिंग कंपनी, अबाउट 157 शेयर होल्डर्स इन द ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज, और वो भी इस्टेब्लिश हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। और टोटल इंटेंट ये था कि जो दुनिया के दूसरे दूर दराज इलाके हैं उनको लूट और प्लंडर के ज़रिए अपने वसाइल को बढ़ाया जाए, दैट वॉज द टोटल इंटेंट। तो जहाँ गए ये अपना झंडा गाड़ते गए, इनका साउथ अमेरिका के अंदर जो हशर किया वो किया, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान रीजन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किया, जिस अंदाज से किताल किया, जिस अंदाज से यहाँ पर, तो दैट हैज़ बीन द इंटेंट। प्रेसिडेंट शी से जब मैं गया था कोविड के ज़माने में, तो उनसे जिक्र बात करते करते मुझे ख्याल ही आया कि एक चाइनीज़ एडमिरल बड़ा मशहूर था, उसका नाम मुझे उस वक्त उस खाने की मेज़ पर याद नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि वो चाइनीज़ एडमिरल था जो मुसलमान था, उसके पास मैं आज जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ इंटेंट व्हेन यू इंक्रीज योर फोर्स। इंटेंट क्या है? इंटेंट अगर कॉलोनाइजेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, हेजेमनी है, उसकी भी मिसाल दूंगा तारीख के हवाले से, और इंटेंट अगर ट्रेड और प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज़ है उसकी भी मिसाल दूंगा। तो जेंग ही जिस ज़माने में कोलंबस 2-3 शिप्स के साथ और दूसरे एक्सप्लोरर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड चंद शिप्स के साथ निकलते थे, दो तीन मास्ट की शिप जो नेवी के लोग ज़्यादा आसानी से समझेंगे, जेंग ही एट द सेम टाइम हैड 300 शिप्स, 4 मास्ट की शिप्स, जहाँ ये 2 और 3 मास की शिप। और अगर आपको मॉडल देखना है तो दुबई में कोई चाइनीज़ वो है मार्केट है क्या, वहाँ पर दोनों शिप्स का कंपैरिजन मॉडल है, ये छोटी सी है और जेंग ही की शिप जो हैं वो इतनी बड़ी शिप्स हैं। और वो सारी दुनिया में 7 मरतबा निकला, सारी दुनिया नहीं, ही केम फ्रॉम द चाइनीज कोस्ट, पास थ्रू श्रीलंकन स्ट्रेट एट्सेट्रा, इवन वेंट टू द केप ऑफ गुड होप तक, नीचे तक गया, बट हार्डली अ बैटल, हार्डली अ स्कर्मिश एक्सेप्ट इन द श्रीलंकन स्टेट्स, वहाँ पर बीच में एक मतलब रुकावट, ओनली ट्रेड, ओनली प्रोपगेटिंग आइडियाज। तो देन द प्रेसिडेंट शी सेड कि उसका नाम जेंग ही, फिर मुझे याद आ गया जेंग ही नाम था उस एडमिरल का, और उसने 7 ट्रिप्स लगाए
never for war, never for implanting the flag on a territory. So President Xi mentioned that the Chinese history is like this, that we have made our defense ke liye bhi wall banai, Great Wall of China. अपनी डिफेंस के लिए बनाई. तो इंटेंट कहीं ट्रेड. मुसलमानों की अगर आप मैरीटाइम हिस्ट्री देखें तो ये मालकी स्कूल ऑफ थॉट और शाफी स्कूल ऑफ थॉट के लोग मैरीटाइम एक्सप्लोरर्स, मज़हब भी फैलाया, तिजारत भी की. एंड यू सी इट ऑल अलोंग द कोस्ट, ओमान, ओमान के आगे, इवन मालदीव्स, श्रीलंका, राइट अप टू द फिलिपाइंस. ये मुसलमानों की आइडिया प्रोपगेशन था, ट्रेड एंड आइडियाज़. ये लोग सेटल हो गए इन जगहों पर और अमन की बात के साथ उन्होंने किया. तो ये तो हिस्ट्री थी. मगर वो जो एक्सप्लॉयटेशन वाली बात है, सीज को एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अपनी फोर्सेस को ले जाना और एक्सप्लॉयट करना, वो टेंडेंसी अभी तक जारी है. उस तरह से रॉ अंदाज से नहीं है जैसे अफ्रीका के अंदर जितनी जुल्म और ज्यादती हुई, तारीख इसकी गवाही देगी कि बेल्जियम का जो किंग था लियोपोल्ड सिक्स, शायद उसने कम से कम 10 लाख कांगो के अंदर लोग मारे. और रबर प्लांटेशन और रबर का कोटा होता था, और अगर कोटा उस दिन का नहीं मीट होता था तो 5 लोगों को या तो सजाए मौत दी जाती थी या हाथ काटा जाता था. तो द मोस्ट ब्रूटल एग्जांपल आई कैन गिव यू, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन. अच्छा, उस एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ बेहतर हो गए वक्त के साथ साथ. इतनी घटिया अंदाज से नहीं होती एक्सप्लॉयटेशन, मगर आज भी समंदर में मासूमों की जाने समंदर, आज भी समंदर में उनको डिबोया जा रहा है. लुक एट द माइग्रेंट्स इन द मेडिटेरेनियन फॉर एग्जांपल. अफसोस नहीं होता? ये मुल्क जो गरीब मुल्क है, उसने जनाब 40 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी 40 साल से तक. और सारा जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाने वाले ममालिक हैं, सारा यूरोप जो हमें नसीहतें करता है हर बात पर, वो लोगों को डुबो देता है, डूबने देता है, मगर सैलवेज नहीं करता. इमेजिन कि ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटी क्या डिफरेंट. सिर्फ कलर और रेस से उसका ताल्लुक है कि यूक्रेन के रेफ्यूजीज, जो कि अच्छा है, उनको फौरन पनाह दी जाती है, बाकी सारे रेफ्यूजीज़ को समुद्र में धकेल दिया जाता है. तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि इतनी अच्छी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की, अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर मी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, मैं तीसरी बात आपसे करूंगा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के. अच्छा, जो कैलिडोस्कोप के हवाले से चेंज आ रही है, जो क्वाड के हवाले से आ रही है, जो ऑकस के हवाले से आ रही है, उसके अंदर आप ये देखें, ये यू टू के हिसाब से आ रही है. उसके अंदर आप ये देखें कि पूरा इंडियन ओशन राइट अप टू द पैसिफिक विद द इंटेंट टू आइसोलेट चाइना फॉर एग्ज़ाम्पल एंड अदर कंट्रीज़. ये इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं. मिसाल के तौर पर श्रीलंका के पोर्ट के हवाले से देर इज़ अ चाइनीज़ इंटरेस्ट इन इट और सब कुछ. तो श्रीलंका के ऊपर प्रेशर्स हैं. मालदीव्स एक छोटा मुल्क है, उसकी वो भी ये देखता है कि उसकी सिक्योरिटी कहाँ पर लाए करती है. तो कभी वो पाकिस्तान के साथ करीब आता है, कभी वो इंडिया के करीब जाता है. सिमिलरली बांग्लादेश है कि क्वाड के हवाले से या ऑकस के हवाले से इनके ऊपर मुख्तलिफ पोलराइजेशन प्रेशर्स हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी हैं. और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि डिग्निटी के साथ ये जो कन्फ्रंटेशन है, जो अगेन इट इज़ सिमिलर टू द कोल्ड वॉर. और मैं आपको बताऊं दुनिया का कितना नुकसान है इसकी वजह से. मैंने एस्टिमेट किया कोल्ड वॉर के दौरान एक फ़लसफ़ा हम जैसे और आप जैसे थिंक टैंक्स की तरफ से ही गया होगा. अमरीका और रूस को जो समझाया गया वो एक था मैट डॉक्ट्रिन, आप सब जानते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. और माय कैलकुलेशन इज कि उसके अंदर मेरी कैलकुलेशन क्या है जो डेटा अवेलेबल है उससे, तो तकरीबन 30-35 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स दोनों बड़ी सुपर पावर्स ने जमा किए, सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मैनी टाइम्स ओवर एंड स्टिल कुछ लोग सर्वाइव कर जाएँ. और सारी डॉक्ट्रिन ये थी कि वो एक हमला करें, हमारे इतने लाख मर जाएं, हम करें उनके इतने लाख मर जाएं, फिर जो बाकी हैं तो हम उनको मारें. डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टोटली, इस डॉक्ट्रिन को भी इंसान ने एक्सेप्ट किया. इमेजिन करें अपनी थिंकिंग जिसमें मोरालिटी ना हो, जिसमें इंसानियत ना हो, जिसमें हमदर्दी ना हो, वो इसी किस्म की डॉक्ट्रिन पर अमल करते हैं. तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आ जाए, जो कताल हुआ है मगरब में. एंड मेरा ख्याल ये था कि किताल के एतबार से दुनिया के अंदर किताल बढ़ता रहा है. आई एम रीडिंग
स्टीवन पर्किंस बुक द बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर, उसके अंदर ही विद डेटा ही इज ट्राइंग टू शो कि नहीं, कताल कम हुआ है इस वजह से कि गवर्नमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स बढ़ते गए. पर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट, मगर ये जो रीओरिएंटेशन का मामला चल रहा है इसके अंदर पाकिस्तान हैज़ टू बी सेफ, ट्रेड अ फाइन लाइन फॉर एग्जांपल इफ़ वी कैन डू दैट. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू ट्रेड अ बैलेंस्ड लाइन, कीप दैट इन माइंड. तो हमारी इंडिपेंडेंस, और ये नई बात नहीं है, अयूब खान साहब की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के साथ, द नेक्स्ट बुक आई विल कोट इज भुट्टो साहब की मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके बाद बहुत सारे सियासी वाक़यात हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों ने और हुकूमतों ने एलेज किया है कि द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन फेयर टू अस, हैज़ नॉट बीन फेथफुल टू अस, प्रामिसज हैव बीन मेड, इंक्लूडिंग इन द 62 वॉर when promises were made that you don't do anything right now and we'll solve the Kashmir issue. Kitabon ke andar ye sab cheeze hain, ye vaade maujood hain, 65 war ke zamane ke bhi vaade maujood hain. To Pakistan has been given the short end of the stick. Therefore hamari security jo aap logo ne mention kiya, aapne dono cheezon ko balance kiya, aapne economic security maritime trade and maritime ke aitbar se zikr kiya, uske sath sath aapne national यानी सिक्योरिटी एंड डिफेंस डन बाय द पाकिस्तान ने भी उसका भी जिक्र किया. मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ फिशरीज़ के हवाले से, और उसके बाद सिर्फ ट्रेड का थोड़ा सा जिक्र करूँगा. फिशरीज़ के हवाले से आपको शायद ताज्जुब होगा कि मैंने इसको बड़ा स्टडी किया जब मैं मेंबर नेशनल असेंबली था और एक कमेटी का ज़िम्मेदार बना जो फिशिंग स्टॉक्स के डिप्लीशन पर बनी. तो मैंने खुद ड्राफ्ट किया. अब आप देखो इस बात को 2017 की बात होगी या 16 की बात होगी, मैंने एक फिशिंग के एतबार से डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स के हवाले से मैंने एक पेपर ड्राफ्ट किया जो 30-40 पेजेस का था बड़ी, और उसके बैकग्राउंड के अंदर वो सारी मीटिंग्स की जिसके अंदर मैं प्रोविंसेस को और सेंटर के ऑफिशल्स को बिठाता था, और उसके जो नतायज थे और वो इतना बेचैन, इस वजह से आपके यहाँ बैठकर फिर मुझे एहसास हो रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ पर. उसके अंदर जो मेरी अपनी जो ड्राफ्ट था उसके अंदर जिन चीज़ों का जिक्र किया था फिशिंग पॉलिसी के एतबार से, एक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान तनाव है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिसाल के तौर पर ये चाहती थी कि 12 किलोमीटर्स का जो उनका डोमेन है उसको 12 से बढ़ाकर 24 से 26 कर दिया जाए ताकि वो करीब की स्पॉनिंग फिश को, बच्चा मछली को, उनको पकड़ने के बजाय ज़रा से डीप चले जाए. अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है डोमेन किसी से छुड़वाना. तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम आँखें नीच लेंगे, हम आपको 20 तक जाने देंगे मगर लिख कर नहीं देंगे. अच्छा, एक बात. दूसरी बात यह कि फिश स्टॉक अगर डिप्लीट हो रहा था तो इन्होंने खुद एक बैन लगाया फेडरल गवर्नमेंट ने कि पॉलिसी ऑक्शन नहीं करेंगे डीप सी फिशिंग का जो आपका इकोनॉमिक जोन है, इन्होंने खुद बैन लगाया. मगर बेचैनी थी कि जी रूल्स एंड रेगुलेशन में लाकर हम इसको फिर दें, ऑक्शन करें. भाई जब आपके फिश स्टॉक्स डिप्लीट कर रहे हैं तो व्हाट आर्गुमेंट कम्स अराउंड कि करें. और मेरा ख्याल ये कि एक मरतबा आप इजाज़त दे दो तो फिर होने लगेगा. तो लिहाजा आई रेजिस्टेड दैट कि अभी जो बैन आपने किया हुआ है वो मज़ीद कुछ अरसा चलने दो. बाहर सूरत जो पेलाजिक स्टॉक है और बहुत सारे फिशिंग स्टॉक है, इतना डिप्लीशन हुआ है कि 80% पोटेंशियल पाकिस्तान का स्टॉक डिप्लीट हुआ, जिसमें से 20-30% ऐसा है कि नॉन रिकवरेबल हो. और उसकी वजूहात क्या थी? स्मॉल फिशिंग नेट्स, यानी ऐसे फिशिंग नेट्स हैं जिसमें से पेंसिल भी नहीं गुजर सकती. अच्छा, नतीजा क्या है कि जो आपने ट्रॉल किया या नेट के अंदर लेकर आया उसके अंदर बच्चा फिश, जो जुविनाइल फिश, जो ट्रैश फिश कहलाती है, वो है. और जो एक ट्रॉलर जब ये जो ट्रॉलिंग कर कर आता है तो इसमें से 95% इज़ ट्रैश फिश विच इज़ कॉल्ड ट्रैश, यानी वो सारी वो बच्चा फिश है जो आगे चलकर बड़ी होती, उसको आप ले आए. और उसको क्या हुआ, उसको चिकन फीड बनाने की पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए फीड बनती है. अच्छा, वो इंडस्ट्री भी फल फूल रही है.
अच्छा तो ये कहा गया कि ये भी डिबेट हुआ कि उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करो, उसके नए लाइसेंसेस मत दो. बट यू सी वेयर थिंग्स आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम इज व्हेन करप्ट इंटेंट मेक्स द पॉलिसी. बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ. ये जो करप्शन आप देखते हैं और जो जिनका जिक्र होता है, उसके साथ साथ जो आप देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा नीचे ये करप्ट इंटेंट के साथ पॉलिसी बनती है. सो एवरी ये फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी करप्शन है. मुझे लोग कहते हैं कि जो मिनिस्टर बन जाता है फिशिंग का, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं. एंड प्रॉब्ली दैट एवरी द चीफ मिनिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट. ना मैं कहीं और की हवा की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे. अब जब आप इतनी अच्छी पॉलिसीज यहाँ बयान फरमाएं और वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, तो इस पॉलिसी का बेकार होना है ना बनना. हु आर यू स्टिमुलेटिंग द माइंड? वलीद इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, सेनेटर्स और MNAs बैठे हैं. आई एम सॉरी टू मेक अ स्टेटमेंट बिकॉज आई एम हेड ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो, कि जब मैं पार्लियामेंट में आया तो 5 दिन के सेशन के लिए जी मैं अपनी छुट्टी करा कर जनाब यहाँ आ गया, अपना सारा काम छोड़ कर आ गया. जाहिर फिर मैंने कहा कि यार अब यहाँ मेहनत करके काम होगा. नए नए आए थे ना तो मेहनत करने का शौक. नया मेहनत करेंगे. पता चला जनाब 1 घंटे में कोरम नहीं था, छुट्टी हो गई. मैं जिंदगी में मैंने 1 घंटे काम नहीं किया दिन में, छुट्टी हो गई. दूसरे दिन आए फिर कोई बात हुई, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर छुट्टी हो गई. ये 5 दिन ऐसे ही गुजरते थे. यदि नंबर ऑफ आवर्स पार्लियामेंटेरियन, माफ़ कीजिएगा, बड़े इज्जतदार लोग सब, मैं भी रह चुका हूँ लिहाजा, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट वहाँ से नहीं निकलेगा. दे डोंट डू हार्ड वर्क, हु विल डू इट? है अच्छा, सारा सब ब्यूरोक्रेसी को सब के ऊपर डिपेंड करें तो उनकी भी तारीफ मैं कर दूंगा अगर आप इजाज़त दें. अच्छा है आपने एक मिक्स बुलाया है जिसके अंदर सब लोगों को एहसास हो एंड दे गो बैक. एंड अच्छा जी, बहुत अरसा टर्टल प्रोटेक्शन डिवाइस ना होने की वजह से जनाब फिशिंग के अंदर रुकावटें नहीं, उसको भी हैंडल करते करते हमने 6-8 साल गुजार दिए. क्या इमेजिन करें यार, एक यूरोपियन बैन लगा कि अपने नेट्स के अंदर टर्टल प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दो, छोटा सा डिवाइस, नॉट वेरी, उसको भी इम्प्लीमेंट करते करते जनाब यही पाकिस्तान का अगर कोई प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो द स्लो पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. और आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो स्लो पेस के हैं उन सबको बुला लिया तो बहुत अच्छा किया. नेट्स के हवाले से इम्प्लीमेंट नहीं होता जो होना चाहिए. फिशिंग हॉलीडे के एतबार से गवर्नमेंट प्रेशर में रहती है, मगर ये कि करप्शन के ज़रिए वो फिशिंग हॉलीडे भी नहीं बनता. नंबर ऑफ बोट्स का मैंने प्रपोजल ये दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के कोस्टल वाटर्स में शायद अप्रॉक्सीमेटली, मुझे अब याद नहीं रहा, ये 4-5 साल पुरानी मेरी रिपोर्ट थी, 18 to 20,000 बोट्स आ गए. एंड द वाटर्स, पाकिस्तान वाटर्स कैन नॉट अफोर्ड मोर देन 6,000 राइट नाउ. तो आपके तिगने, तो उसका एक ही सोल्यूशन समझ में आया कि जब कोई बोट स्क्रैप होने के लिए आए या कोई नई खरीदना चाहे तो 2 बोट्स का लाइसेंस जब लाएगा तो फिर 1 का मिलेगा. दैट वॉज दी ओनली वे टू डू इट इन अ सॉफ्ट मैनर, मगर वो भी नहीं हो रहा. हमने यहाँ तक किया कि इंडियन बोट्स जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स पकड़ लेती हैं उन इंडियन बोट्स को मार्केट में मत बेचो, उसको डिसमेंटल करके बेचो. नुकसान होगा मगर दैट इज दी ओनली वे टू स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बोट्स. तो दैट वॉज वन प्रपोजल विच केम इन. अच्छा, तीसरे ये कि ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी 2021 या 2022 का आपने जिक्र किया. अच्छा, कितने साल लगे इस पॉलिसी को बनाने में? 6-8 साल लगे शायद रिवाइज करने में. और एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंस एंड द सेंटर, VMS के लिए VMS लगाना, व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना, अब इतना सस्ता हो गया है कि $50 या $100 में लगता है. एंड वी यू कैन मेक श्योर कि इसको स्विच ऑफ करके ना जाएं, क्योंकि जो अगर आपने एक्सपोर्ट करना है टू यूरोप एक्सेट्रा तो दे नीड टू नो कि वेसल कहाँ कहाँ गई. वन, दे नीड टू नो किस लैंडिंग साइट पर आपने उतारा, ताकि वो फिश जो है वो कम से कम उनको अंदाज़ा हो कि उस लैंडिंग साइट पर उतरी जहाँ पर उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुई होगी. तो हमारे लैंडिंग साइट भी बहुत हैं. कितनी देर लगती है इनको मैनेज करने के लिए कोई, मगर ये कि इस माना करके ये सारे मामला इग्नोर किए गए. वियतनाम, लेट मी गिव यू अ फिगर फॉर कंपैरिजन. ये जो कमाल है, जो हमारी लेथार्जी है, तो दिस इज़ द बेस्ट फोरम टू आस्क यू के व्हाई आर वी लेथार्जिक. वियतनाम एंड पाकिस्तान हैड सेम फिशिंग एक्सपोर्ट क्वांटम,
तकरीबन इन 1999 वी बोथ वर एट अबाउट 300 or 400 million dollars ईच. पाकिस्तान इज स्टिल अराउंड 550 या 500 million dollars. वियतनाम इज मोर देन 10 billion dollars. यार सोचो तो सही, वही समंदर आपके पास भी है. जैसे कहा जाए ना कि तेल के कुएं वहाँ हैं, तेल के कुएं आपके यहाँ नहीं है. यह समंदर तो वही है, वियतनाम से ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है आपकी. एंड दे हैव गॉन टू 10 billion. वॉट इज रॉन्ग? दुनिया उन्होंने भी देखी, वो तो डिस्ट्रॉयड मुल्क था आफ्टर द वॉर्स. कितना डिस्ट्रक्शन वियतनाम में हुआ. वो निकला और आपसे वो 10 billion या 12 billion पर अब पहुँच गया है. और अगर वहाँ की आप तस्वीरें देखें तो फिश फार्मिंग इस तरह से हो रही है जैसे आपको नज़र आता है कि खेतों के अंदर फार्मिंग होती है, फिश फार्मिंग कर रहे हैं. कोई ऐसी अफलातूनी टेक्निक नहीं है. इट इज़ पॉसिबल. वी आर डूइंग फिश फार्मिंग इनलैंड, वी आर डूइंग सम फिश, आई डोंट नो वेदर वी आर डूइंग सम फिश फार्मिंग इन द सीज, बट दैट इज़ सम एरिया वेयर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ये चल सकता है. तीसरे आपने जिक्र किया ट्रेड्स के हवाले, ट्रेड के हवाले से. तो आई वॉज टू डेज अगो आई वॉज एट द हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन टैक्सिला. तो वहाँ बड़ा मज़ेदार एक जिक्र हुआ. मैंने उनसे ये कहा कि जी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने भी एक इनोवेटिव काम किया है और वो इनोवेटिव काम कंटेनर्स के इस्तेमाल के एतबार से है. यानी दुनिया उसमें चीज़ें ले जाती है, हमने उसको इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाया कि लोगों को इससे रोका भी जा सकता है. दैट्स एन आइडिया. तो इट वॉज मैंशन कि पाकिस्तान की ईयरली रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेनर इज अबाउट 200,000 एंड वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. और कंटेनर को अगर आप देखें तो कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें? नहीं है. इट रिक्वायर्स इंटेंट एंड कैपिटलाइजेशन ऑन एन आइडिया इन टाइम. और इन टाइम कैपिटलाइजेशन ऑफ एन आइडिया को आपको उन लोगों को बताऊं, आपके सामने एक बात रखूं कि मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन आईटी बिकॉज आई फील दैट्स द फास्टेस्ट सेक्टर टू ग्रो और पाकिस्तान को जल्दी निकाल लेगा. आईटी के अंदर एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर व्हेन बिल गेट्स साहब वाज हियर तो मैंने और उन्होंने ये डिस्कस किया था कि दुनिया में इतना डेटा है और इतना जो इस वक्त दुनिया हैंडल नहीं कर सकती, ना इसके पास एनालिस्ट हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं जो हैंडल कर सकें, ना इसके पास कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ है जो एग्जिस्टिंग डेटा को हैंडल कर सके. सो वी टॉक्ड अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स. तो गूगल ने 53 क्यूबिट का, क्यूबिट इज समथिंग इंटरेस्टिंग के एंटैंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, 53 एंटैंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का उन्होंने कंप्यूटर बनाया. नॉट बिगर देन ट्वाइस माई हाइट एंड अबाउट 4 times माई, इतना बड़ा. अच्छा, और उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंप्यूटिंग. उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि जो दुनिया का के सुपर कंप्यूटर, एक कोई सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में सॉल्व करेगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो इस कंप्यूटर ने 300 सेकंड में सॉल्व किया. कीप दैट इन माइंड. एंड दे क्लेम्ड एंड इट वॉज ट्रू, दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि अ सुपर कंप्यूटर is 115 million times stronger, the quantum computer is 115 million times stronger than a supercomputer. छोटा मोटा नहीं, 115 million. तो मैंने ये सोचा, मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत में आईटी का एक टास्क फोर्स बनाई गई, तो मैंने ये सोचा कि क्वांटम कंप्यूटर में जो पाकिस्तान के डायस्पोरा के अंदर लोग हैं, क्वांटम फिजिक्स में हैं हर चीज़, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड बना लिया जाए. हम बना ही रहे थे कि वो सिस्टम बदल गया और प्रायोरिटीज़ मुल्क की जो है इस वक्त सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पर चली गई. अब नुकसान क्या हुआ? आई वॉन्ट टू जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन के नुकसान क्या हुआ. दिस ईयर जनवरी दिस ईयर एक कैनेडियन कंपनी है जानाडू ने 219 क्यूबिट कंप्यूटर बनाया बाय द नेम, उसका चिप जो था वो नाम भूल रहा हूँ मैं, याद आ जाएगा. तो कंप्यूटर बनाया विच इज़, यानी अगर 53 से 54 हो जाता है तो डबल हो जाती है स्ट्रेंथ, तो 54 से 55 तो डबल हो गई. तो इन्होंने 219 क्यूबिट का बनाया कंप्यूटर और उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स मिलकर भी उन्होंने 9,000 साल में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे जो इसने 1/1,000 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया. अच्छा, पाकिस्तान का लॉस क्या हुआ? यहाँ हम बना रहे थे जो नहीं बनी. ये जो बोरियालिस चिप था जो जानाडू कंप्यूटर बना, उसके अंदर
हम हमारा आइडिया 2 साल पुराना, इंडिया अप्रोच देम अबाउट अ ईयर बैक, और इंडियन 3 लोग उसके अंदर पार्टनर बने इन डेवलपिंग दैट। इमेजिन कीजिए, नुकसान तो हुआ ना। सो दिस इज व्हाट हैपन, वेयर इट इज हैपनिंग, यानी टुडे एज आई एंड आई विल ब्रिंग यू टू दैट कि ये कहाँ हो रहा है भाई, ये नुकसान क्यों हो रहा है। यानी दुनिया में आइडियाज हैं, हम इसको पकड़ भी रहे हैं, मगर ये कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो कहीं फॉर द ब्यूरोक्रेट्स, नाइस ब्यूरोक्रेट्स हुआर हियर, मैं एक बात मजाकन भी कहता हूँ मगर कहने लगा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी वाली गाड़ी के अंदर ना हमने जो बनाई उसके अंदर हमने एक्सीलेटर रखा ही नहीं, सिर्फ ब्रेक्स पर है। और जब प्रमोशन आता है ना साल के आखिर में, तो पूछा जाता है भाई तुमने कितने ब्रेक लगाए, तुमने कितने लगाए, जैसे ज्यादा। तो लिहाजा दिस इज इन, ये एक तंजिया बात कह रहा हूँ मगर इट पॉइंट्स आउट माय फ्रस्ट्रेशन इन व्हाट एवर इज हैपनिंग। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो बात हुई हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, तो ये हुआ कि भाई कोई जॉइंट वेंचर्स के एतबार से उधर काम किया जाए और देखा जाए। आपने फेरीज के हवाले से, अभी ओमान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे वो वापस गए, वो मिनते करते हुए मेरे पास आए कि जी वो फेरीज यार ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से, ट्रेड के एतबार से, अच्छा ये आइडिया भी कोई नया नहीं है, 5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ फैसले नहीं हो रहे, है ना, कहीं ना कहीं देयर इज अ सीरियस लॉग जैम। तो ट्रेड के अंदर फेरीज के हवाले से PNSC का आपने मिसाल दी यार, जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो देवर 110 या 107 शिप्स बाय PNSC, आजकल 2-4 हैं, 5 होंगी 6 होंगी यार, मतलब वी हैव गॉन डाउन। उनको 2-4 मिली थी, वो आज 100-150 के करीब है। व्हाट इज रॉन्ग, मतलब तवज्जो दें यार, ये सारी सियासी बहरान और सियासी कैफियत के अलावा दिस कंट्री इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप मूव कर भी रहे हैं तो अगर आप यहाँ से, यकीनन आपका GDP बढ़ जाता है यहाँ से यहाँ आ गए, दूसरे ममालिक अगर यहाँ थे एंड यू थॉट यू आर गेटिंग क्लोज, दूसरे यहाँ पर हैं, आप यहाँ से यहाँ आए, तो जो एक्सेलरेटिंग कैफियत दुनिया के अंदर इल्म के एतबार से और इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से, उसमें जब कौम पीछे रहने लगती है, जिस कौम ने अपना पोटेंशियल दिखाया हुआ है, जब आपको ज़रूरत पड़ी, मैं पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी का मशहूर हूँ कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने न्यूक्लियर डिटेरेंट डेवलप कर लिया, इस मुल्क को सांस लेने के लिए 40-50 साल दे दिया, और क्योंकि कन्वेंशनल साइट पर आप नहीं कर सकते थे मुकाबला, तो कम से कम सांस लेने के लिए आपने प्रोटेक्ट किया, तो दैट मीन्स द पोटेंशियल इज देयर, बट देयर इज सम लेथार्जी। तो उस लेथार्जी के हवाले से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आइडेंटिफाई की है 4-5 चीज़ें, कोई ख़ास नहीं है, आप जानते हैं इनसे, मगर मैंने उनको प्रायोरिटाइज़ कर लिया अपने जहन में, आपके पास बैठे बैठे, और ये फ्रस्ट्रेशन देखकर कि कितने अच्छे आइडियाज़ हैं, why are not they बीइंग अडॉप्टेड। तो सबसे पहले मैंने जो 5 चीज़ें आइडेंटिफाई की उसमें ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंड अगेन आई विल ड्रॉप अ फिगर फॉर योर थिंकिंग बिकॉज यू आर ओपिनियन मेकर्स, आप इलीट हैं, आप इम्प्लीमेंट, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत के बाहर अपोजिशन में हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। आप कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी एक्ट विद मैच्योरिटी, आइसोलेशन में ना मिलिट्री सुप्रीमेसी होती है ना सिविलियन सुप्रीमेसी होती है, इन द वीकनेस ऑफ थिंग्स डाकू आते हैं, डाका डाल कर चले जाते हैं क्योंकि आप कन्फ्यूज हैं कि हम चौकीदार हैं, ये चौकीदार जो बाहर खड़ा है वो चौकीदार है, इस कन्फ्यूजन में दूसरा आता है बाहर से, वो डाका डालकर चला जाता है। डाका क्या है, डाका आपकी रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है, डाका ये कि आप कमज़ोर होते जाएं तो कौड़ियों के दाम आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे मजबूर, ये है डाका, इंटरनेशनल टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म जो होता है। तो लिहाजा आप इसी बहस के अंदर जब पड़े रहते हैं तो व्हाट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का फौदान आपके सामने अर्ज कर दूं कि इतना दुनिया को जरूरत, दुनिया पाकिस्तान को देखती है अपने अंदाज से, कहती है यार इतनी बड़ी कौम है, इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, यहाँ से मिलेगा हमें ह्यूमन रिसोर्स। मैं जापान गया, जो शिंजो आबे, द लेट शिंजो आबे, उन्होंने कहा जी तुम्हारे पास 1 लाख आदमी IT के अंदर है तो आज हमें दे दो, हमारे पास 1 लाख कहाँ है। जर्मनी सब बेचैन है बिकॉज दे नीड दैट ह्यूमन रिसोर्स, और ये ह्यूमन रिसोर्स तो बड़ा अच्छा है ना, पाकिस्तान में रहकर वहाँ की नौकरी कर सकता है। तो खैर ह्यूमन रिसोर्स का फुकदान आपको बता दूँ, एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस इज सो स्लो, एंड आई ये जो मैं फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा हूँ,
वो उसी सिलसिले में, यानी इंडिया के अंदर जो एफएससी करता है उसके 28% या 26% जाते हैं हायर एजुकेशन में। कीप इन माइंड, जो एफएससी करता है उसके 26 से 28% हायर एजुकेशन में जाते हैं। बांग्लादेश द सेम फिगर, श्रीलंका द सेम फिगर, पाकिस्तान का फिगर क्या है 9%। आप दुनिया के इंटेलेक्ट का को मुकाबला करना चाहते हैं विद सच अ स्लो टर्नआउट ऑफ पीपल? इट्स एन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, ये फिजिकल लेबर की वर्ल्ड नहीं है। 9%। और मैं यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़ा रहता हूँ कि यार लोगों को लो बढ़ाओ अगर, और मैं मिसाल देता हूँ कि गारमेंट फैक्ट्री के वाले के पास अगर गारमेंट्स का ऑर्डर आ जाए, 10,000 बनाता है 1,00,000 का आ जाए, तो वो वापस नहीं करेगा, वो अपनी शिफ्ट बढ़ा देगा, 2 शिफ्ट कर देगा, 3 शिफ्ट कर देगा, भागा भागा बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा, ऑर्डर वापस नहीं करेगा। और यहाँ बड़े फ़ख्र से मेरे साथ वाइस चांसलर बैठकर ये कहते हैं कि जी हमने, हमारे यहाँ 300 एडमिशन्स की गुंजाइश थी, 3,000 लोग आए, हमने सिर्फ 300 लिए। ये दे टेक इट एज अ मैटर ऑफ मेरिट। और मैं कहता हूँ कि यार तुमने ग्राहक अपना वापस भेज दिया, अपना ग्राहक नहीं, कौम को ज़रूरत है लोगों की, मल्टीप्लाई नहीं मल्टी। मैं कहता हूँ हाइब्रिड ट्रेनिंग करो, एजुकेशन करो, सच अ स्लो प्रोग्रेस इन हाइब्रिड ट्रेनिंग। हाइब्रिड ट्रेनिंग का मतलब कुछ ऑनलाइन करो तो तुम्हें मौजूदा रिसोर्सेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वन थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2 करोड़ ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो निकल भी आते हैं उनके अंदर हायर एजुकेशन में आप एडमिट नहीं कर रहे, मुकाबला आप क्या करेंगे, कम लोग बड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, औरत को आपने 145 आउट ऑफ 158 और समथिंग औरत दुनिया में, आपकी कमाल है, जिस मजहब के अंदर बीवी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, इस तरह से आपने औरत को भी घर के अंदर कल्चरल एतबार से, नॉट रिलीजियस, कल्चरल एतबार से घर के अंदर महदूद किया है। दूसरे मैं आपसे कहूँ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं जितने ये जो साइफर का आप किस्सा सुनते हैं, बहुत सारे साइफर और भी आते रहते हैं रेगुलरली, उसके अंदर कंट्रीज से कि जी जो हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना था वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की नज़र हो गया। यानी जब मोहम्मद बिन सलमान हिज हाइनेस वाज हियर तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का पोटेंशियल $20 बिलियन पर ईयर इन्वेस्टमेंट का है, वी डोंट हैव द सिस्टम टू अकोमोडेट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो चले जाते हैं फिर वो छोटे ही पर ही आ जाते हैं जो आपका कैपेसिटी है। अच्छा जी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डिलेज, ये भी सालों के, या दुनिया जो है वो महीनों में आगे बढ़ रही है, ये हमारे सालों के डिलेज हैं। तीसरे इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, जब आप फैसला कर भी लेते हैं, पॉलिसी बनाते बनाते 5-6 साल लगा देते हैं। यानी पॉलिसी बनाना, नेवी वाले इस बात की वजाहत करेंगे कि अगर ये पॉलिसी बनाने बैठें तो 3 से 6 महीने के अंदर सारे अपने थिंक टैंक बनाकर बिठाकर बना लेंगे, आप सालों लगा देते हैं। फिर जनाब वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो जाएगा, फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर वो असेंबली अप्रूव करेगी, जब 5-6 साल, दुनिया आगे निकल गई, जिस स्टेशन पर आपने सवार होना था वहाँ से ट्रेन आगे जा चुकी है, आप पॉलिसी बना रहे थे कि इसका टिकट यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर हम दरवाज़ा खोलेंगे, ट्रेन जा चुकी है अगली ट्रेन के लिए, जब आप पॉलिसी बनाएंगे जब वो आकर रुक जाएगी फिर आप बैठेंगे बनाना शुरू करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन डिलेज, पॉलिटिकल डिसीजन डिलेज, और आखिरी है कि करप्शन कॉम्प्रोमाइज़, ये बहुत बड़ा कैफियत है, इसको आप मामूली मत समझिएगा, इसको सियासी बहस के तौर पर सिर्फ इग्नोर मत करें, दिस इज़ टू डीप, टू डेवस्टेटिंग फॉर पाकिस्तान के हर मामले के अंदर ये हो। और आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ इस बात का जिक्र हुआ कि 500 मिलियन गैलन ऑफ वाटर इनटू द सी, कराची इज सफरिंग फ्राम दैट एंड द कोस्ट इज सफरिंग फ्राम दैट, उसका कितना नुकसान है, तो इसमें रूमी की एक बात मुझे याद आ जाती है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ माय टॉक टू यू। रूमी से ये मैं पिछले दिनों रूमी को बहुत पढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा बड़ा शौक है, अल्लामा इकबाल भी रूमी से बहुत फैसिनेटेड थे। दुनिया में इस वक्त इन द अमेरिकन मार्केट द बिगेस्ट सेलिंग पोएट इज़ रूमी। अच्छा वो मोहब्बत की बात करता है, खैर बाहर सूरत उसने जो बात की, उसने कहा फराख दिली में दरिया की तरह हो जाओ, तो दरिया जैसे बहता है तो वो सबको सराब करता है, इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, सबको सराब करता जाता है, तो फराख दिली के साथ करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है, कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है, तो फराख दिली में दरिया की तरह हो जाओ। और ऐब छुपाने में,
एज डिफरेंट फ्रॉम आर व्हाट्सएप टेंडेंसीज, कि जिसकी कोई बात आई वो आपने फॉरवर्ड कर दी, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, जो आपकी मर्जी की थी आपने भेज दी विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। तो और झूठ के ऊपर भी चलता है, और मेरे ऊपर भी बहुत झूठ के एतबार से चलता है। पिछले दिनों एक साहब ने ये कहा कि इन्होंने जो हुकूमत के साथ बात की है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये रखा है कि इमरान खान के सारे मुकदमे जो हैं वो हुकूमत वापस ले जाए। ना ये बात हुई ना कुछ हुआ, मगर उसके अंदर लोगों ने जो मेरी इस झूठी खबर के ऊपर जो मुझे गालियाँ पड़ी हैं अनलिमिटेड है। तो अल्लाह मेरे गुनाहों को कम कर देगा इन चीज़ों में देगा। तो खैर, तो रूमी कहता है कि ऐप छुपाने में रात की तारीकी की तरह हो जाओ। जैसे रात की तारीकी ऐप को छुपाती है ना, तो इंसानों को मोहब्बत करने वाले इंसानों से कहता है कि ऐप के लिए रात की तारीकी छुपाने में रात की तारीकी बन जाओ। और एक फिर बड़े मज़े की बात ये कहता है कि गुस्से में जब गुस्सा आए तो मौत का सुकूत अख्तियार करो, डोंट रिस्पॉन्ड। यानी मौत जो है ना वो ऐसा सुकूत देती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं रहती। तो ऐप उसमें गुस्से में मौत का सुकूत बन जाओ। और आखिर में वो ये कहता है जो रेलिवेंट है, वो ये कहता है कि दरगुजर में समंदर बन जाओ। यानी ये कि कतरा अगर समंदर में जाकर मिलता है तो वैसे ही हो जाता है समंदर की तरह, मगर आज हमने समंदर पर इतना जुल्म किया है कि वो समंदर भी नहीं रहा, वो भी जवाब दे रहा है, हैं? वो कतरे जो जा रहे हैं पोल्यूशन के, वो समंदर उस समंदर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। वो अब जवाब दे रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और दुनिया जवाब दे रही है कि ह्यूमैनिटी का जो फुटप्रिंट है वो इतना ज़्यादा है कि दुनिया के वसाइल से बढ़कर है। तो देयर मस्ट बी सम वे टू मैनेज दैट एंड कंट्रोल दैट, मगर वो तो दुनिया की बात है ना। मुझे तो मेरे मुल्क से वास्ता है, मेरी जो मोहब्बतें हैं वो इस मुल्क से हैं, मेरा जो जज्बा है वो इस मुल्क के साथ है, मुझे जो दिया है वो इस मुल्क ने दिया है। एंड लेट मी नॉट फॉरगेट कि मैं वो डेंटिस्ट हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से 12 रुपए महीने पर पढ़ा है, सरकार ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है, और मैं अब निकल जाऊँ अपने उस जोन के अंदर कि मैं ही हूँ, मैंने ही हासिल किया, एंड नो क्रेडिट टू माई कंट्री। आई नीड टू सेक्रीफाइस टू पुट दैम इन द राइट परस्पेक्टिव द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। ये मेरी जस्तजू रहनी चाहिए, ये पैशन जो है ना ये पाकिस्तान में चंद सालों के लिए इग्नाइट होना चाहिए। फिर जब रूटीन में आ जाए, जैसे वॉर है ना, वॉर के अंदर ये सब जाने देने के लिए तैयार होते हैं, दैट्स द टाइम जब जान का वास्ता होता है कि जान दोगे तो ये मुल्क बचेगा। तो इस वक्त ये पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है कि कौम के बाशिंदों, कौम के रहने वालों, तुम ही हो जो कौम को बचा कर ले सकते हो। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन।